खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हैं इस वक्त फतेहपुर में एक नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करने के लिए। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहां पर पहुंचा है, क्योंकि ये छोटी सी एक सभा, एक नुक्कड़ सभा है, लिहाजा बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद यहां पर जो पुष्प वर्षा की जा रही है। और देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त जो है गाड़ी के अगली सीट पर बैठी हुई है। कार्यकर्ता उनका जो पिछले काफी देर से इंतजार कर रहे थे, यहां की जनता इंतजार कर रही थी ये फतेहपुर की। उसके साथ में जो है राकेश सचान, ये जो उम्मीदवार है, प्रियंका गांधी पहुंची है और देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। खास तौर पर अगर हम इस जगह की बात करते हैं तो देख सकते हैं ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इस वजह से एक बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं भी दिख रही हैं। और प्रियंका गांधी इन सबसे जो है जो इनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, माला जो है हाथ मिले रही है और अब मंच पर पहुंची हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कुछ इस तरीके से जगह जगह पहुंच करके नुक्कड़ सभाओं को तक संबोधित कर रही हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले जो है चुनावों में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश की और ज्योतिरादित्य को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के ऊपर जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है और इसी वजह से प्रियंका गांधी जगह जगह पहुंच करके कर रही है नुक्कड़ सभाओं से लेकर के जनसंपर्क अभियान तक। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज फतेहपुर। जहानाबाद में हमारे बीच राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई है। मैं जहानाबादियों की तरफ से, क्षेत्र के लोगों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। बहुत लंबा दौरा है आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तमाम हमारे साथियों का जो हौसला बढ़ा, ये कहना चाहता हूं दीदी, मैं 2009 में यहां से सांसद चुना गया था। लोग हमें सभी का स्वागत करता हूं। जहानाबाद के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं प्रियंका जी का स्वागत करते हुए अपील करूंगा कि श्री राम यादव जी आ जाइए, ये हमारे समाज में आई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं मनोज गौतम, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य लोकसभा प्रभारी थे बसपा के, वो भी आप काफी समय से इंतजार कर रही हैं और भाइयों आप भी, आपके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी धूप पे और नवरात्रि के पर आप यहाँ पे मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे सचान जी ने कहा, 6 तारीख है आज और ठीक एक महीने में 6 तारीख को चुनाव आ रहा है। 6 मई को जब आप वोट देने जाएंगे तो आप पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी होगी, आपको सोच समझकर अपना वोट देना पड़ेगा। चुनाव आते जाते हैं और आपने, यहाँ बुजुर्ग भी हैं काफी, उन्होंने कई बार अपना वोट डाला होगा, लेकिन ये चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में सिर्फ आप अपना भविष्य तय करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन देश का भी भविष्य तय करने जा रहे हैं, देश का भी भविष्य तय करने जा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि देखिए, पिछले 5 सालों से जो सरकार सत्ता में रही है उसका व्यवहार क्या रहा है, ये थोड़ा ठीक तरह से समझने की हमें जरूरत है। जब जब चुनाव आते हैं तो देशभक्ति का सवाल उठाते हैं, लेकिन जो ठोस सवाल है, चुनावी सवाल, कि विकास क्या किया, नौजवानों को रोजगार कितने दिए, किसानों के लिए आपने क्या क्या मदद दी, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए आपने क्या क्या किया, उसकी चर्चा नहीं होती। तो पहले तो मैं देशभक्ति के बारे में बोलना चाहती हूँ थोड़ा। देखिए, आपको कहा गया था नोटबंदी के समय कि आप लाइन में खड़े हो जाओ, अपने नोट जमा कर लो।
और ये देशभक्ति का काम है, क्योंकि इससे काला धन सारा वापस आ जाएगा देश में। आप खड़े हो गए, आप देशभक्त हैं, आप लाइन में खड़े हो गए, काला धन वापस आया, एक पैसा नहीं आया, आप प्रताड़ित किए गए। जब भी कोई घोषणा, बड़ी बड़ी घोषणा होती है तो देशभक्ति का नाम। क्या इस देश में कोई भी ऐसा इंसान है जो देशभक्त नहीं है? बताइए, सब देशभक्त हैं, सब देशभक्त हैं। और असली देशभक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी देशभक्ति लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विश्वास रखना, इसका मतलब है कि आप जनता हैं। सबसे बड़ी देशभक्ति होगी कि आप अपना वोट सोच समझ के दें, आप अपने वोट को एक हथियार बना दें, जो आपका काम करे, जो इस मंच पे खड़े होकर आपको बताए कि मैं इतना करा, मैंने 5 सालों में आपके लिए ये किया है, इतने रोजगार दिलवाए हैं, इतनी सड़कें बनवाई हैं, यहाँ पे पाठशाला बनाई, उसको आप आगे बढ़ाएं, अपना फायदा आप देखें। क्योंकि आप जानते हैं कि हम नेता लोग कैसे होते हैं, आप हमें मंच पे खड़ा कर दो और 2 मिनट में भूल जाएंगे कि सत्ता देने वाले आप थे, है कि नहीं? तो नेता को याद दिलाने वाला कौन है बताइए? आप हैं। आपको जागरूक रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी देशभक्ति जागरूकता है। जागरूक रहो। अब ये समझिए कि अगर ये भाजपा के जो नेता हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके सामने तमाम प्रचार करते हैं, अगर इतने बड़े देशभक्त होते तो ये शहीदों का आदर करते, चाहे वो शहीद हिंदू होता, चाहे वो शहीद मुसलमान होता, या वो शहीद किसी विपक्षी दल के नेता का पिता होता, शहीद तो है ना, तो गिन चुन कर तो आदर नहीं हो सकता शहीदों का। अगर देशभक्त हो तो सब शहीदों का आदर करो, तो राजीव गांधी का भी आदर करो, इंदिरा गांधी का भी आदर करो। अगर देशभक्त हो, तो जब देश के किसान हजारों की तादाद में दिल्ली आए थे, नंगे पांव चल के आए थे, प्रताड़ित होकर आए थे कि हमारी समस्या सुन लो, सिर्फ हमारी बात सुन लो, हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमें अपनी उपज का दाम नहीं मिलता, हम भटक रहे हैं आपसे सिर्फ इस एक सुनवाई के लिए, तो आपने अपने दरवाजे बंद करके उनको वापस क्यों भेजा? बगैर उनसे मिले, मिले तक नहीं। आप इतने बड़े देशभक्त हैं, तो तब आपकी देशभक्ति कहां थी जब देश के किसानों को आपकी जरूरत थी? अगर आप इतने देशभक्त हैं तो बताइए, जब आप कि 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों, आपने उसके बारे में कुछ किया? आज तमाम बेरोजगार नौजवान चौराहों पे खड़े हैं, जहां जहां मैं जाती हूँ उत्तर प्रदेश के हर मार्केट में, हर चौराहे पे बेरोजगार नौजवान। अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो आपने देशवासियों को जो वचन किया वो पूरा क्यों नहीं किया? अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो जब मैं वाराणसी गई, जो प्रधानमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र है, और मैंने पूछा यहाँ पे विकास हुआ है, क्योंकि इनका प्रचार तो आप जानते हैं बहुत बढ़िया है, मैंने भी सोचा बहुत विकास होगा भाई, हम भी देखें। तो मैंने पूछा क्या हुआ यहाँ, मुझे बताया गया दीदी देखो ये जो हवाई अड्डे से जो सड़क आ रही है ना यहाँ तक शहर तक 15 किलोमीटर ये बनाई मोदी जी ने। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये घोषित कब हुई थी? उन्होंने मुझे बताया ये तो घोषित तो कांग्रेस पार्टी ने की थी पिछली सरकार में, 150 किलोमीटर। तो मैंने कहा 150 में से 5 सालों में इन्होंने 15 बनाई? जवाब आया हाँ, सिर्फ हवाई अड्डे तक ना, ताकि दिखे कि यहाँ पे काम हुआ है। अगर आप हवाई अड्डे से आगे जाएंगे तो आपको खड्डे दिखेंगे, कोई सड़क नहीं है, ये बताया गया मुझे। फिर एक पुल पे गए हम, मैंने पूछा कब कब, बताया गया कि ये पुल तो 75 साल पुराना है, लेकिन मैंने कहा लग तो नया रहा है, क्योंकि दीदी इस पे बत्तियां लगा दी है चाइना से लाके पूरे पुल पे बत्तियां लगा दी, ताकि दूर से जब फोटो
खींचे तो लगे कि यहाँ बहुत विकास हुआ है। फिर मैं गांव गई, मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी कभी आए हैं यहाँ। मुझे ताज्जुब हुआ कि पूरे पांच सालों में अपने कोई क्षेत्र में एक गांव के अंदर गए किसी परिवार का हालचाल पूछने। तो मैंने कहा लोगों से कैसे मिलते हैं, जब वो आते हैं बड़ा भाषण दे देते हैं फिर चले जाते हैं, जाने से पहले अगर किसी को मिलना हो तो वहीं जहां वो रहते हैं वहां ठहरते हैं, वहां पे जाके मिल देते हैं। तो ये हालत है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 5 सालों में एक गरीब परिवार की हालचाल पूछने नहीं पहुंच पाए। ये हालत है। इतनी बड़ी देशभक्ति है इनकी कि ये अफ्रीका जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, चीन जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, वहां पे मिल के बिरयानी खा के वापस आ सकते हैं, लेकिन अपने चुनावी क्षेत्र में किसी गरीब का हाल चाल नहीं पूछ सकते। चौकीदार चोर है। तो सुन लीजिए, इन्होंने आपको कहा था 2014 में कि हर गरीब परिवार के खाते में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी देशभक्ति और बहुत बड़ा ऐलान। किसके खाते में आए? आपके खाते में आए? नहीं आए ना। अब राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस में जो पहले वित्त मंत्री रहे थे उन सबसे पूछा, बताइए कि सरकार गरीब परिवार को मदद करने के लिए सच बताइए कि कितने पैसे डाल सकते साल। तो उनको बताया गया कि हर गरीब परिवार की मदद के लिए सरकार कम से कम 72,000 रुपए उनके खाते में डाल सकती है, बगैर अर्थव्यवस्था के दुर्बल, बगैर किसी उठने। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने ये योजना डाली जिसका नाम है न्याय। न्याय एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब परिवार के खाते में सालाना कम 72,000 रुपए डाले जाएंगे। अब इस घोषणा में और भाजपा की घोषणा में फर्क क्या है यह भी बता दें। वो बड़े बड़े प्रचार करते हैं, चुनाव के बाद जब पूछा गया कि भाई 15 लाख, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था, कभी नहीं देने वाले थे हम ये 15 लाख। कांग्रेस पार्टी को देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव, उसमें पहले घोषणा की गई थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए, 10 दिन में जैसे ही सरकार आई वैसे ही ये घोषणा की गई सरकार द्वारा कि किसानों का कर्ज उन 3 प्रदेशों में माफ करने शुरू हो चुके हैं। तो कांग्रेस करके दिखाती है। कांग्रेस आपके लिए मनरेगा लाई थी, मनरेगा द्वारा आपको गांव में रोजगार मिलने लगा। आज मनरेगा की क्या स्थिति है कि 6-6 महीनों के लिए लोगों को पैसे नहीं मिलते, 6-6 महीनों के लिए रोजगार करते हैं आप, उसके बाद आपको 6-6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते। क्या हो रहा है कि जो मनरेगा के जो कार्य थे जिन्हें मजदूरों के द्वारा कराना था ताकि लोगों को रोजगार मिले 100 दिन का और लोगों को कुछ पैसे मिले उस रोजगार के लिए, उसके बजाय ये सरकार ज्यादातर ठेकेदारों को दे रही है काम और मशीनों से किए जा रहे हैं। किसानों की हालत आप देखिए, उपज का दाम नहीं मिलता। आलू के किसान पश्चिम में है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके बीज का दाम उपज के दाम से ज्यादा है। ये हालत है। आप कर्ज में डूब रहे हैं, रात को आपको खेत में बैठना पड़ता है क्योंकि आवारा पशु घूम के आपके खेत चल रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं। और जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि किसान के हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम अलग किसान की बजट बनाएंगे जिसमें सारे किसानों की जो समस्याएं हैं और किसानों के लिए जो पैसा है सरकार का वो अलग निर्देश किया जाए उसका, जब हम कहते हैं कि आपकी मदद होनी चाहिए, कर्जा माफ करने जा रहे हैं हम अपने प्रदेशों में,
तो भाजपा की सरकार कहती है कि पैसे ही नहीं है कर्जा माफ करने के लिए, पैसे ही नहीं है 72,000 रुपए देने के लिए। लेकिन इसी सरकार 317,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ किए हैं, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, जिनको इन पैसों की जरूरत भी नहीं है, जिस तरह आप लोगों को पैसों की जरूरत है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी रोजाना की कमाई के लिए, अपने खेतों के लिए, उसके लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन गरीबों के पद के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये है इनकी असलियत, और मैं कहना चाहती हूं कि ये देश सत्य के आधार पर बना था। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, जिनके बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष, जिनको भाजपा वाले गाली देते हैं रोज, उन महापुरुषों ने अपना खून पसीना किस लिए दिया? ताकि ये देश एक लोकतंत्र बने, और जो संघर्ष किया उन्होंने वो सत्य पर आधारित था और अहिंसा था। दुनिया में पहला ऐसा संघर्ष था जो अहिंसा और सत्य के आधार पर था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया में पहला ऐसा देश है जो सत्य के आधार पर बना, जिसकी नींव सत्य के आधार पर डली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस देश में सत्य छुप नहीं सकता। तो जितना भी प्रचार करें, आप टीवी ऑन करेंगे आपको नए प्रचार दिखेंगे, आप अखबार खोलेंगे बड़े बड़े इश्तिहार दिखेंगे, आपको बताया जाएगा कि कितना विकास हुआ है, ये हुआ वो हुआ, हमने ऐसा किया वैसा किया, 60 सालों से किसी ने कुछ नहीं किया था, भाई सब हम ही ने किया है, लेकिन आप जानते हैं और हम जानते हैं कुकी कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सत्य जो है इसको आप जी रहे हैं, इस सत्य को आप जी रहे हैं। आप अपने खेतों की चौकीदारी कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है आपकी चौकीदारी करने। आप लड़ रहे हैं गरीबी से, आप लड़ रहे हैं बेरोजगारी से, आपकी आशाओं का मजाक इन्होंने बनाया है, तो आप सब समझते हैं, और मैं हमेशा समझी हूं और आज भी समझती हूं कि इस देश की पब्लिक में बहुत विवेक है, बहुत ज्यादा विवेक है। अगर आपने 5 साल पहले ये तय किया कि आपको कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए थी, तो इसकी भी वजह थी। उस समय आप तंग आ गए थे, आपने सोचा कि ये भी भटक रहे हैं अपने रास्ते से। आज आपने फिर आपने इनको समर्थन दिया, आज आपने देखा है कि भाजपा ने आपकी आशाओं को किरकिरा कर दिया, आपकी आशाओं को एकदम धूल में मिला दिया। आपने इस तरह समर्थन किया जैसे कि किसी और सरकार का पहले समर्थन नहीं हुआ था काफी सालों में, और उस समर्थन को, उस विश्वास को उन्होंने तोड़ा और आपके साथ धोखा किया है। इस असलियत को भी आप पहचानते हैं, और आप ये भी पहचानते हैं कि राहुल गांधी जी आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक नई राजनीति बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश भेजा है कि जाओ संगठन को मजबूत बनाओ, एक ऐसा संगठन बनाओ जिसमें सबका प्रतिनिधित्व है और जो सबकी समस्याओं की सुनवाई करे। जहां जहां उन्होंने मुझे कहा कि प्रियंका जहां जहां तुम्हें पीड़ा दिखे, जहां जहां तुम्हें दुख दिखे, तुम वहां पहुंचो और उनकी बात सुनो और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करो। तो आप ये भी असलियत समझते हैं कि किसकी नियत साफ है और किसकी नियत साफ नहीं है। तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ याद दिलाने आई हूँ कि सत्ता आपकी है, ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत आप करेंगे, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जितने नेता मेरे साथ मंच पे खड़े हैं, खड़ा आपने किया है, नेता आपने बनाया है। आज मैं सक्षम हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ अच्छे पाठशाला में, मेरा जीवन अच्छा है, तो आपकी बदौलत है, आपने दिया है ये मुझे, और हम सब इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ कि अपनी सत्ता अपने हाथों में रखो। जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, जो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, जो संस्थाएं को नष्ट करना चाहते हैं, वो आपको नष्ट करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि आप दुर्बल बने ताकि सारी सत्ता उनके हाथों में रहे और वो आपको प्रताड़ित करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप दुर्बल हो, जब तक आपका विकास नहीं होगा, तब तक वो मजबूत बनते रहेंगे। और जिस दिन आप जागरूक बन गए, जिस दिन आप सबल बन गए, जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है, कि मेरे देश के लिए अच्छा क्या है, कि मैं मजबूत कैसे बनूंगा, उस दिन कोई ऐसा नेता आपके सामने नहीं आ पाएगा जो आपको झूठे प्रचार करे जिस तरह से इन्होंने किए हैं। और बाद में चुनाव के बाद ये उनकी हिम्मत भी हुई कहने की कि ये सब जुमले थे, कोई ऐसे हिम्मत नहीं करेगा। आपके सामने वो आएगा जो आपके लिए काम करेगा, और ये बहुत भारी जिम्मेदारी है और इसी में आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो ये सब याद दिलाने आई थी। अब सचान जी इस बार हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, स्थानीय हैं, यहीं के हैं, जमीनी नेता हैं, और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आपके लिए काम करेंगे। तो मैं वैसे भी इनके पीछे लगी रहूंगी अगर नहीं करेंगे लेकिन इनमें बहुत विश्वास है और हमें पूरी आशा है कि ये अच्छी तरह से चुनाव जीतेंगे, आप जितवाएंगे, ताकि हम इकट्ठे इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।